Welcome to Digital Adhyapak. Hello student, welcome to Digital Adhyapak. Our question number third is, if 10 of the polynomial a square plus 9 x square plus 13 x plus 6a is reciprocal of the other, then find the value of a. Given question is a quadratic polynomial. We know that in a quadratic polynomial we have two zeros. Let us suppose the zeros be alpha and beta. यहाँ पे आपको alpha beta दो zeros हैं, मुझे पता है, क्योंकि ये quadratic equation है. Condition क्या है? One zeros is reciprocal of the other. Given है यहाँ पे, suppose that one zero is reciprocal of second. Alpha की value one upon beta के equal. अगर हम यहाँ से simplify करना चाहें, तो alpha into beta की value क्या हो? One ही है. आपको पता है बट वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा इज व्हाट सी बाय सी के प्लेस पे क्या है 6a अपॉन a के प्लेस पे क्या है a स्क्वायर प्लस 9 बट अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू 1 पहले से गिवन है तो आप अल्फा इनटू बीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हो 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया a इसको सिंपलीफाई करके a की वैल्यू निकालते हैं a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0 यहां से a कॉमन किया a माइनस 3 माइनस 3 कॉमन किया a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आपका प्रोडक्ट क्या हो गया यहां पे a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 a की वैल्यू क्या होगी ओके थैंक यू क्लास